गुड़गांव के अंदर स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी प्रकार का कोई पैनिक नहीं है। जो पैनिक फैलाया गया था वो सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया गया था, मिसलीडिंग फैक्ट्स के थ्रू, र्यूमर्स के थ्रू। उसको गहनता से उसकी जांच करी जा रही है, मॉनिटर करा जा रहा है, ऐसे लोगों की शिनाख्त करी जा रही है, ऐसे कौन कौन लोग हैं जो गलत, जो इस तरीके की मिसलीडिंग फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। रही जो नमाज की बात है, हमेशा से गुड़गांव के अंदर जो नमाज अदा होती आई हैं, गुड़गांव के अंदर गुड़गांव पुलिस द्वारा उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पुख्ता तौर पर करते आए हैं हमेशा से। जो उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए ब्रीफिंग्स रहती हैं वो होती आई हैं, वो रूटीन प्रोसेस है गुड़गांव के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अभी कुछ जानकारियाँ सामने आई हैं कि इमाम संगठन हैं, जो इमाम हैं, जो मुस्लिम समुदाय से हैं, उन्होंने भी एक अपील जारी करी है कि इस दौरान इन घटनाक्रम के मद्देनज़र रखते हुए एहतियातन हर व्यक्ति विशेष से एक मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये अपील करी गई है कि वो अपने घरों से नमाज अदा करें, और ताकि शांति बहाल रहे, इस प्रकार के किसी भी उन्माद को ऐसे ना देखा जाए, किसी प्रकार के उन्माद की घटनाक्रम से टला जाए। और तो सर, क्या खुले में नमाज अगर कोई करते हैं तो उसको लेकर कोई प्रतिबंध पुलिस रखेगी या फिर करने दी जाएगी अगर कोई करता है तो? देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इमाम संगठन द्वारा ही इस चीज़ की अपील जारी करी गई है कि वो मस्जिदों में भी रिफ्रेन करें, ना जाएं, और अपने घरों से नमाज अदा करें ताकि शांति बहाल रहे, इस तरीके की किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन को ऐसा मौका ना मिले कि किसी प्रकार का उन्माद क्रिएट करें। लेकिन उसके बावजूद भी गुड़गांव पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, हर जगह मॉनिटर करा जा रहा है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, प्रोग्राम जारी हो चुके हैं, किस प्रकार से जो संबंधित जितने भी हमारे वर्शिप जो एरियाज हैं, जो चाहे वो मंदिर, संख्या की अगर बात करें गुरुग्राम पुलिस की लमसम टुकड़ियों की अगर बात करें, कितने पुलिसकर्मी हैं जो इस वक्त सड़कों पर हैं पूरे गुरुग्राम जिले में लगभग? देखिए, पूरा गुड़गांव की जो जितनी फोर्सेस सारी ही एक्टिवली इस चीज़ में भागीदारी ले रही है। अलग अलग जोन्स के अंदर गुड़गांव बटा हुआ है, जिसको संबंधित डीसीपीज जो हैं हमारे वो मॉनिटर करते हैं। हमारी कमिश्नर पुलिस कला रामचंद्रन मैडम हैं, वो सभी की टच में रहती हैं, सभी को दिशा निर्देश दे के रखती हैं कि किस प्रकार से कहीं कोई घटनाक्रम है तो कितनी जल्दी से पुलिस वहाँ पर जाके उसको उस मौके को संभालें और उसके ऊपर कदम उठाएँ। तो जो ये घटनाक्रम हुए हैं वो काफ़ी हद तक अब नॉर्मलाइज हैं। इस प्रकार की कोई छुटपुट घटनाएं जो हुई थी कुछ स्टार्टिंग में, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करी गई है, काफ़ी एफआईआर रजिस्टर्ड करी गई हैं, लोगों को पकड़ा गया है, डिटेन करा गया है। तो इस तरीके की कोई और दोबारा घटनाक्रम सामने ना हो, इस तरीके को रोकने के लिए, ऐसी घटनाक्रम को रोकने के लिए गुड़गांव पुलिस सतर्कता दिखा रही है और सख्ती से कदम उठा रही है।